नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, आज करवाते हैं हम आपको पन्नीवाला मोटा के इतिहास से रूबरू। आप पहली बार जानेंगे कि किसी एक युवक ने, जिसका नाम सुरजीत कसवा है, उसने पन्नीवाला मोटा का इतिहास लिख डाला। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गांव के ऊपर एक किताब लिखी गई हो और उसका इतिहास जड़ से लेकर के वर्तमान तक शब्दों में अलंकृत कर लिखा गया हो। इतिहास माने हिस्ट्री, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। इससे ऐसा अनुमान होता है कि ज्ञात घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से बुन करके ऐसा चित्रण उपस्थित किया जाता है और उसकी कोशिश की जाती है कि जिससे एक सार्थक व सर्वमान्य शब्द निकल करके बाहर आते हैं, जिसमें जिस समूह में लोक कथाएं, दंत कथाएं, चर्चा, व्याख्यान, वीर गाथा तथा इतिहास के बहुत सारे साक्ष्य होते हैं, जिसे एक जगह पर संजोया जाता है। कई पौराणिक और बुजुर्गों से सुनी सुनाई घटनाएं भी उसमें अंकित होती हैं। बहुत सारी परंपराओं का इसमें जिक्र होता है। इतिहास की वे कथाएं, वे गाथाएं जिनसे बच्चे अपने पूर्वजों से कहानियों के रूप में सुनते हैं, इसी तरह की एक कहानी को अलंकृत करके लिखा सुरजीत सिंह ने और उनके सहयोगी मनोज कुमार ने। साथ ही साथ प्राचीन पन्नीवाला मोटा के इतिहास के साथ साथ जो प्राचीन तस्वीरें थी वो भी उन्होंने कलेक्ट की और 1990 में इसकी शुरुआत की थी उन्होंने, और 2017 में जाकर के वो पूरा हुआ, और 2018 में, अभी 15 अगस्त 2018 को इस पुस्तक का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि सुरजीत को बचपन से ही अपने गांव के इतिहास के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती थी। उन्होंने 15 साल की उम्र से ही अपने दादा स्वर्गीय चौधरी सुरजाराम कसवा के गांव की बहुत सारी बातें सुना करता था और उन्होंने सुनते हुए इस बात का निर्णय लिया कि वे कभी ना कभी अपने गांव के ऊपर एक इतिहास लिखेंगे, एक पुस्तक जरूर लिखेंगे। उन्होंने 1990 में इसे लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1994 में अपनी निजी डायरी शुरू की और 1996 में उन्होंने बहुत सारी उसके अंदर अच्छी बातें लिखी जो उन्होंने पढ़ी थी। सन 2000 के अंदर उनको एक आइडिया आया कि जो मेरी निजी डायरी है उसमें जो मैंने इतिहास के बारे में अंकित किया है, पुस्तकों से लेकर के जो अच्छी चीज़ें मैंने इसके अंदर दर्ज की हैं, उसको एक पुस्तक का रूप दिया जाए, जो कि आज के समय में एक पुस्तक के रूप में सबके सामने प्रस्तुत भी है। उन्होंने लोगों से, बुजुर्गों से, अपने साथियों से भरपूर सहयोग लेकर के कुछ साक्ष्य जुटाए और ईश्वर की कृपा से उन्होंने इसे कलमबंद कर दिया। सबसे बड़ी बात रही कि उन्होंने हजारों साल पुराना, जिस तरह से भाट एक गांव का इतिहास, एक कुल का इतिहास रखते हैं, हरिद्वार के अंदर ये लोग मौजूद होते हैं, पंडित होते हैं, उन्होंने पंडित श्री ज्ञानाराम ब्राह्मण से और उनकी बही से ये सारा रिकॉर्ड निकलवाया। अपने पूर्वजों के बारे में उन्होंने हरिद्वार से पंडित गंगाराम जी की एक बही के अंदर 200 साल पुरानी एक अंग्रेज जॉर्ज थॉमस की एक डायरी थी, उससे ये इतिहास भी उन्होंने लिया, जिससे कसवा गोत्र के जाटों पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। लेकिन डायरी पुरानी होने के कारण ख़राब हो चुकी थी और वह अंग्रेजी में लिखी हुई थी, तो उनके हाथ से जो अच्छे अंग्रेजी के जानकार थे उन्होंने उनसे पढ़वाया और थोड़ी बहुत बातें जो बता पाए उनसे वो उन्होंने कुछ आइडियाज़ लिए और उन्हें अंकित कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पन्नीवाला मोटा नाम कैसे पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 व जिला मुख्यालय सिरसा से 22 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर में स्थित गांव पन्नीवाला मोटा है, जिसकी भौगोलिक स्थिति 29.7° पर उत्तर अक्षांश व 74.9° पर पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। वर्तमान में पन्नीवाला मोटा जिला सिरसा के अंदर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार में कुल आबादी 8,122 है, जिसमें से 4,296 पुरुष है और 3,826 महिलाएं हैं। दर्शकों, इस गांव की साक्षरता दर जो है वो 63.39% है। वर्तमान में इसकी आबादी लगभग 10,000 से अधिक बताई जा रही है, जिसमें से 5,740 मतदाता हैं, 11,040 इसमें घर मौजूद हैं। वह आसपास में 65 ढाणियां बनी हुई है गांव के आसपास जो हैं। गांव के इतिहास के हिसाब से 193 साल पुराना ये इस गांव का इतिहास है। बताया जाता है कि 1825 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी।
इस गांव में जाटों के अलावा अन्य कई जातियां मौजूद हैं। दोस्तों, इस गांव के अंदर कई सरकारी सुविधाएं भी बनी हुई हैं। गांव वालों ने काफ़ी ज़मीन जो है पंचायत की सरकार को दे रखी है। इसमें से हैफेड का गोदाम, बहुत बड़ा हैफेड का गोदाम भी यहां पर मौजूद है। एरिया का सबसे बेहतरीन प्राथमिक अस्पताल भी यहाँ पर मौजूद है। इसी दौरान आपको बता दें कि 1880 का कैलेंडर आज भी मौजूद है यहाँ पर, जिसने जो कि चौधरी दिलीप नंबरदार द्वारा संभाल कर रखा गया है। यहाँ के इतिहास के अनुसार पनीवाला मोटा में 1908 में शिक्षा शुरू हुई। यहाँ पर उस समय कोई स्कूल तो नहीं था, लेकिन श्री रामकिशन देशवाली जाट ने यहाँ पर इसकी पढ़ाई की शुरुआत की थी। विद्यार्थियों को वे पढ़ाने लगे थे। 1980 में यहाँ पर स्थापित सरकारी कन्या विद्यालय भी बनाया गया। इसके अलावा कई स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं। सरकारी स्कूल जो है वो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से लेकर के और दूसरे जो है प्राइमरी विद्यालय भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि गांव के कई लोगों ने PhD भी की हुई है। लगभग 5 लोगों की यहाँ पर PhD धारक हैं। डॉक्टर कृष्णलाल गुप्ता, डॉक्टर नीलम गुप्ता, डॉक्टर सूरजमल कसवां और डॉक्टर कपिल कसवां, शालू डूडी, ये सब PhD धारक हैं। इस गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आदि भी मौजूद हैं। यहां पर चौधरी दयासुख मेमोरियल ITI कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज की जब स्थापना हुई तो उस समय गांव वालों ने लगभग पूरे गांव के अंदर से 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करके इस कॉलेज को दिया था। पनीवाला मोटा में श्री कृष्ण गौशाला, जो कि बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य यहां पर मौजूद है, इनका एक शिवपुरी भी है, वो भी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बना रखा है। और पढ़ाई अंग्रेजों ने शुरू करवाई थी 1908 में। पढ़ाई के लिए गांव के अंदर अध्यापक भेजे गए थे और उन्हें सरकारी खजाने से यानी अंग्रेजों ने सैलरी देनी शुरू की थी। 1947 में जब बंटवारा हुआ, उसे ज़्यादातर बुजुर्ग रोला कहते हैं कि रोले का समय था, तो जब रोले का समय आया तो इस गांव के अंदर कई मुसलमानों के घर मौजूद थे, लेकिन इन लोगों ने, गांव वालों ने मदद की उनकी और उन्हें घरों के अंदर ही छुपा के रखा, जिसकी वजह से वह आज भी वहां पर मौजूद हैं। इस गांव में एक बड़ा काली माता का मंदिर भी मौजूद है। गांव का मेन गेट बहुत ही खूबसूरत है, जिसे और यहाँ पर त्रिवेणी धाम मंदिर भी मौजूद है। इस गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है, शनिदेव जी का मंदिर भी है, बाबा रामदेव का भी यहां पर मौजूद है एक मंदिर। इस गांव में एक तकिया आश्रम भी है। गांव की पाल को मोटा करके, जोहड़ की पाल को मोटा करके यहां पर एक तकिया बनाया गया था, जिस पे जो ऊंचाई के ऊपर स्थित होता है, जिससे पूरे गांव में निगाह रखते हैं, उसे ताकते, ताकि लोग उसको ताकते रहें, इसलिए उसे तकिया घर बोलते हैं। दोस्तों, आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे जो सुरजीत द्वारा लिखी गई है, उस पुस्तक के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि गांव के अंदर किस तरह का पर्सनल होता था, किस तरह की वहां की संस्कृति होती थी, कृषि किस तरह की होती थी, किसान की हालात उस समय कैसी होती थी, और सारी बातों पर और सारे विवरण के ऊपर बड़ा बखूबी इसमें प्रकाश डाला गया है। आप लोग जब इसके इतिहास को पढ़ेंगे, इस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने कभी भी जीवन में नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये बुज़ुर्गों से उनके अनुभव को आकलन करके और इसमें संजोया गया है, इसे कलमबंद किया गया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा और देखिएगा कि किस तरह से गाँव का निर्माण हुआ था। ये एक गाँव पर नहीं, बहुत सारे गाँव पर यह लागू होता है कि किस तरह से झोड़ी की ज़मीनों में जहाँ पानी इकट्ठा होता था, तो वहाँ पर जो है कुछ लोग आते थे इकट्ठे होकर के, और पहले गांव के अंदर जो है एक दूसरे को दूर दूर से बसाने के लिए लाया जाता था। जहाँ की ज़मीनें अच्छी थी, खाने पीने की व्यवस्था होती थी, और पानी की जहाँ पर ज़्यादा जो है बहुत आयात होती थी, या पुराने जहाँ बरसात का पानी इकट्ठा होता था, वहाँ पर ये उसके किनारे पर ये गाँव बसे होते थे। तो दोस्तों, देख रहे थे आप सुरजीत की पनीवाला मोटा से रिपोर्ट और गांव का इतिहास, पनीवाला मोटा का इतिहास। नमस्ते, मेरा नाम सुरजीत कसवां है, मैं पनीवाला मोटा गांव से हूं। मैंने पनीवाला मोटा पे एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है पनीवाला मोटा का इतिहास। सिरसा ज़िला में आज पहली बार शायद किसी ने किसी गांव का इतिहास लिखा है। इसके बारे में मेरे को प्रेरणा मिली
1990 से ये काम शुरू किया था मैंने। तथ्य जुटाने काफ़ी मुश्किल काम होता है, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने ये तथ्य जुटाए, फिर सारा इतिहास लिखा। इसमें मैंने पन्नीवाला मोटा के बारे में एक एक चीज़ पे ध्यान दिया, सभी कुछ इसमें ऐड किया मैंने। जैसे भी पन्नीवाला मोटा 1825 में ये गांव बसा था, हमारे पूर्वजों ने इसको बसाया था। इसमें कब गांव का विकास हुआ, कब इसमें पढ़ाई शुरू हुई, कब इसमें कौन कब सरपंच रहा, कौन कितने वोटों से हारा, कौन कितने वोटों से जीता, कौन इसमें गजेटेड ऑफिसर हैं, इस गांव में हर प्रकार की जानकारी, 133 पेज की ये किताब है, इसमें हर प्रकार की मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। मेरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता है। मूल रूप से मैं गांव पन्नीवाला मोटा का रहने वाला हूं और राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हूं। मेरा बचपन गांव में बिता है। गांव में हमने जो कुछ देखा उससे लेकर के आज तक बड़ा परिवर्तन आया है। पहले गांव पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और गाँव प्रगति पथ पर अग्रसर है। अब सुरजीत सिंह कस्वां, जिसने गांव का इतिहास लिखा, एक पुस्तक लिखी है, काफ़ी समय तक वो प्रयासरत रहे हैं और इस प्रकार के तथ्य उसमें दिए गए हैं जिनका किसी को भी मालूम नहीं था, पता नहीं था। और सुरजीत सिंह कस्वां ने, इनके साथ ये मनोज कस्वां भी थे, इन्होंने जगह जगह घूम करके साक्ष्य जुटाए और उनको गांव के मतलब इतिहास में शामिल किया। इसमें गांव का नाम पन्नीवाला मोटा क्यों रखा गया, गांव में क्या क्या चीज़ें उस समय थी, क्या क्या चीज़ें आज है, विशेष करके गांव के अंदर जाट गोत्र के लोग ही अधिक हैं, अन्य जातियां हैं लेकिन बहुत कम संख्या में। सुरजीत सिंह कस्वां ने जाटों के दो गोत्र जिनमें कस्वां और डुड्डी प्रमुख है, उनको आधार बना करके ये पुस्तक लिखी, उनकी वंशावली दी गई और ये वंशावली हरिद्वार से जा करके जो बई बाट होते हैं उनसे इन्होंने संकलित की। जब मैं गांव में पढ़ता था उस समय प्राइमरी स्कूल था, आज इंजीनियरिंग कॉलेज तक गांव के अंदर स्थापित है। इन्होंने सारे स्कूलों का कौन कौन किस किस प्रकार से मतलब पहले स्कूल कब खुला, उसके बाद मिडिल स्कूल कब बना, हाई स्कूल कब बना और इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज कब बना तक का पूरा विवरण दिया है। और ये किताब देखने पर गांव के जो मतलब पुराने मतलब दृश्य थे वो याद आ गए। इस किताब को सटीक बनाने के लिए और साक्ष्यपरक बनाने के लिए एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि गांव के अंदर एक पुराना कुआँ है, उस कुएँ के बारे में सुरजीत सिंह कस्वां लिख रहे थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये कुआं किस तिथि को किस सन को बना। इन्होंने हिम्मत जुटा करके, वो कुआं बिल्कुल अंधा कुआं है, उसमें अब मतलब पानी वगैरह नहीं है या वो प्रयुक्त नहीं हो रहा कुआं, एक रस्सी के सहारे ये 15-20 फुट नीचे उतरे और जा करके वहाँ इन्होंने उस पर लिखी हुई निर्माण की जो तिथि लिखी हुई थी वो पढ़ी और उसको इस किताब के अंदर लिखा। तो इसी प्रकार से अन्य जो तथ्य दिए गए हैं वो भी इन्होंने साक्ष्यों के आधार पर दिए हैं। जहाँ कहीं भी, क्योंकि कोई भी इतिहास होता है वो कोरा इतिहास नहीं होता, उसमें कल्पना का पुट भी देना पड़ता है, लेकिन जहाँ कहीं इन्होंने सुनी सुनाई बात कही है, इसमें उल्लेख भी किया है कि ये बात मैंने अमुक आदमी से सुनी या यहाँ से मुझे जानकारी मिली। तो जहाँ साक्ष्य दिए गए हैं वहाँ बात प्रामाणिक है और जहाँ अनुमान पर आधारित है वहाँ उसका उल्लेख भी किया गया है। अब ये जो किताब लिखी गई, वर्तमान पीढ़ी है अपना पुराना इतिहास नहीं जानती गांव का, जो आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल ही नहीं जानेगी, लेकिन इस किताब के रूप में गांव का जो इतिहास था वो सुरक्षित हो गया और जो आज के विद्यार्थी हैं वो भी इसको पढ़ करके लाभान्वित होंगे, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और विशेष रूप से जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर इतिहास विषय पर शोध करने वाले विद्यार्थी हैं, जैसे कि एमफिल या पीएचडी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो भी इससे बड़े लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनको अपने शोध पत्र के अंदर ये उल्लेख करना पड़ता है कि ये पैरा किस किताब में से लिया गया, किस पृष्ठ में से लिया गया, किसकी कही हुई है, इस प्रकार का सारा उल्लेख इस किताब में है। तो
मैं सोचता हूँ कि ये मतलब पन्नीवाला मोटा का जो इतिहास है ये बहुत ही लाभप्रद एक पुस्तक है।